सुनो, इस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर में अपलोड कर दो, कल हमें दिखाना है, समझ गए ना? ठीक है सर। जी सर। भाई वो आ रहा है। क्या है तुम्हारा? माइकल। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि चैन स्नैचिंग के लिए अरेस्ट हुए हो? सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। तुम लोग सिर्फ मेरी बात सुनोगे, समझ गए? ठीक है भाई। अगर मेरी इजाजत। कौन है ये? जेल के लोगों पर यह हक जताता है, इसकी बातें सब लोग ध्यान से सुनते हैं। समझ गए क्या? हाँ भाई। हाँ समझ गए भाई। इतना मास्टरमाइंड होने के बावजूद भी चैन स्नैचिंग की वजह से जेल में कैसे आए? अगर हमें शहर पे राज करना है तो शहर के सारे क्रिमिनल्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं यहां एक छोटे से केस में अंदर आया हूं, पुलिस मुझ पर उतना ध्यान नहीं देगी। समझ में आया मैं यहां क्यों आया हूं? मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है जिसे चलाने के लिए मुझे आदमियों की जरूरत है, और इस जेल के आदमी उस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। Thank you.
देख इसे। क्या है माँ? तुम्हारी ये शर्ट मैं कई बार धो चुकी हूँ, फिर भी ये दाग निकला ही नहीं। आखिर तुम इस तरह के काम करते ही क्यों हो? एक आदमी को चोट लगी थी और वो रास्ते पर गिरा हुआ था, मैंने उसे ऑटो में बिठाने को मदद की तो मेरी शर्ट पे भी खून लगा। अच्छा है, ये अच्छा है। महीने में 4-5 लोग तो रास्ते में एक्सीडेंट से गिरे ही पड़े रहते, तू सबकी मदद करेगा? कोई गिरे तो लोग उसे देख के निकल जाते हैं। मेरे बारे में तुम भी यही सोचती हो कि मैं भी ऐसे लोगों को देख के निकल जाऊं? अच्छे लड़कों के कपड़े पर ही ऐसे दाग लगते रहते हैं माँ। मुझे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। ए कार्तिक, अरे मैंने अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए दी थी, जल्दी आओ ना, मुझे लेट हो रहा है। ए मैं रेडी हूँ यार, उसकी वजह से हम लोग लेट हो रहा है। अरे श्री, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे, और कितना टाइम लगेगा? बॉस का कॉल आ रहा है। आ रही हूँ कार्तिक। सुन सुन सुन, वो जो शोरूम के बगल में लॉन्ड्री है उसमें दे देना। बाय माँ। बाय। अरे लगभग 40 लोग मारे गए हैं और ये 100% हमारी गलती थी। ए सर, पता है टाइम क्या हुआ है? टाइम? मैंने घड़ी नहीं पहनी है सर। घड़ी नहीं है? और ये कैसी शर्ट है, ऊपर से कलरफुल जैकेट, क्या है ये सर? यूथ सर, फैशन सर। बड़े आए फैशन। रुको, बाहर बैठो, मीटिंग खत्म होने तक वहीं रुकना। कमिश्नर है या स्कूल का हेडमास्टर है? क्या बोला? नथिंग सर। ओके गाइस, लेट्स हैव अ रिकैप। क्या तो है यार? इस ऑपरेशन को हम पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं, जो आप सबको पता है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की आर्बरी में रिपेयर करने वाली गन्स, पिस्टल्स, राइफल्स, इन्हें एक वक्त के बाद पिघलाया जाता है। इन्हें लिक्विफाइंग प्रोसेस में जब हम शिफ्ट करते हैं, तभी कोई इलीगल ही घुसकर सारे इक्विपमेंट चुरा कर पार्ट बाय पार्ट निकालकर स्कैनर, प्रिंटर, टीवी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डाल देते हैं। पिछले 1 साल में 100 से 150 वेपन्स इसी तरह से चुराए गए हैं और फिर चुराए हुए सारे वेपन्स बड़े कंसाइनमेंट में शिप करने की इन्हें कोशिश की गई थी। और इन सब के पीछे जो शख्स है वो है पांडियन। ओके गाइज, इस ऑपरेशन में बायर्स एंड सेलर्स को पुख्ता एविडेंस के साथ पकड़ना होगा हमें, ठीक है? ऑपोनेंट्स आर्म्ड होंगे, तुम लोग भी जरूरत वाले वेपन्स ले लो। इस ऑपरेशन को लीड करेगा। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बताइए कौन है आपका टारगेट? देवा। देवा है सर? देवा इस ऑपरेशन को लीड करेगा। श्योर सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, गुड चॉइस सर। ऑल द बेस्ट सर, कीप इट अप। जय हिंद सर, जय हिंद। इसे क्या हुआ? ए सॉरी यार, मुझे लगा था इस ऑपरेशन को तू लीड करेगा, लेकिन ये कमिश्नर ऐसा क्यों बोल रहा है? ठीक है, तो इस कंसाइनमेंट का टाइम और लोकेशन हम कैसे ढूंढेंगे? मैंने पहले से ही एक इन्फॉर्मर को उनके गैंग में भेज दिया है। पापा ठीक है बेटा, पापा कल आ जाएंगे। ठीक है पापा, अंकल को फोन देता हूँ। हाँ मूर्ति, कंसाइनमेंट कितने बजे की है? जितना मुझे पता है उन्होंने 10:30 बजे कहा था सर। ठीक है सर, आप पर भरोसा करके मैं रिस्क ले रहा हूँ। मेरे बेटे को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही थी। वो लोग कहते थे कि ये गुंडे का बेटा है। आप मेरे बेटे का एडमिशन कराओगे? सर वो लोग बहुत खतरनाक है। कल अगर मुझे कुछ हो गया सर, तो आप मेरे बेटे का ख्याल रखना। कहा था ना मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, भरोसा रखो और अपने काम पर फोकस करो। ठीक है सर, थैंक यू सर। अंकल पापा ठीक से आ जाएंगे ना? टाइम हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो। प्रभा। लगता है तेरा इन्फॉर्मर पकड़ा गया है। ठीक है, वो कब आने वाला है? हेलो सर, यहाँ पे डील नहीं हो रही है सर, ऊपर से इन्फॉर्मर पकड़ा गया है। ऐसा है तो Just about the mission. Guys, the mission has been compromised. उन्होंने हथियार कहाँ रखे हैं ये देखने के लिए। मैं उन्हें फॉलो करूंगा, तुम लोग जाओ। मेरा नमक खा के पुलिस को इन्फॉर्म करता है। Hey, जल्दी लोड करो,
पुलिस कभी भी आ सकती है। ए, निकलो सब। मुझे धोखा देता है, तेरा बेटा, फैमिली सब बर्बाद कर दूंगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ए देवा, प्रभा कहीं नजर नहीं आ रहा है। What? ए प्रभा, मैं चुप बोल रहा हूँ, सुन। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। ऐसे ऑपरेशंस में इन्फॉर्मर का बनना आम बात है। आप पर भरोसा करके मैं रिस्क ले रहा हूँ। पापा ठीक से आ जाएंगे ना? ए, हाँ। तू उसे इन्फॉर्मर की तरह देख रहा है और मैं उसे बाप की तरह देख रहा हूँ। जल्दबाजी करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। मुझे परवाह नहीं है। प्रभाव मेरी बात सुन। एक एक पार्ट को अलग करके वो उन्हें सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में डाल देगा। हथियार फेंक कर चले जाओ, ये तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है मैं अच्छे से जानता हूँ। नहीं जाओगे तो इसे खत्म कर दूंगा। गन फेंको अपनी, गन फेंको। शूट हिम। पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद तुम्हारे पापा का सबके सामने अपमान हुआ, इसीलिए कह रही हूं प्रभा, तुम कभी ये खाकी यूनिफॉर्म मत पहनना। आखिर में तुमने अपनी मां की इच्छा पूरी की ना, साइन करके जाओ। ओके, वन लास्ट चांस। अगर दोबारा तुम ऐसी सिचुएशन में फंसे तो तुम डिपार्टमेंट को चूज करोगे या फिर अपने सेंटिमेंट्स को? ओके, अगर तुमने डिपार्टमेंट चूज किया तो इसे फाड़ कर सॉरी बोलकर चले जाना, और अगर तुमने सेंटीमेंट्स चूज किए तो इस पर साइन करके जाना। उस इन्फॉर्मर ने मुझ पर भरोसा किया था सर, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ के जा सकता था। सत्यमूर्ति जी, देखिए आपको अल्जाइमर है, धीरे धीरे डे टू डे एक्टिविटीज भी आप भूलने लग जाएंगे। इसकी अगली स्टेज होती है डिमेंशिया। क्लिनिकल असिस्टेंट की जरूरत भी आपको पड़ सकती है, कोई नर्स या फिर कोई भी आपका ख्याल रखने के लिए आपके साथ होना चाहिए। डॉक्टर, 25 साल पहले मेरे डैडी को सर पर चोट लगी थी, शायद उसी की वजह से। सर पर लगने के बाद द स्ट्रेस ही हैज गॉन थ्रू एक कारण हो सकता है। तुम वो आर्ट और म्यूजिक थेरेपी फॉलो कर रहे हो ना? हाँ डॉक्टर। हाँ, गुड। अपना पसंदीदा गाना सुनना या फिर जो भी उन्हें याद आए उसे कागज पे ड्रॉ करना,
इससे उनकी मेमोरी लॉस कम हो सकती है। मैं जा रहा हूं पापा। प्रभा। हाँ पापा। तुम्हारी माँ का बर्थडे कब है? इस महीने में है या अगले महीने में? उससे पूछूंगा तो वो गुस्सा हो जाएगी, तुम बताओगे क्या? ऐसा मत सोचो कि आप भूल जाओगे पापा, याद नहीं आए तो इसमें देख लेना। बाय पापा। क्या करना है भाई? अब तक हमारे ऊपर जितने केस चल रहे थे मैंने सब मिटा दिए। कमिश्नर के ऑफिस में घुसकर एविडेंसेस को इस तरह से जलाना बहुत बड़ा मैटर है। अब किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी ना। तेरी बीवी बच्चे मेरे कब्जे में है सिद्धु, और वो महफूज रहेंगे, मैं उनका ख्याल रखूंगा। तुमने खुद ही तो साइन किया था। वैसे ये बताओ तुम पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन क्यों हुए थे? मेरे पापा बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे सर, लेकिन लोगों की नजरों में वो एक लूजर बन गए थे। मैं एक अच्छा पुलिस बनकर मैंने पुलिस डिपार्टमेंट इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मेरी सारी कामयाबी अपने पापा को डेडिकेट कर सकूं। लेकिन आपने तो मेरी कब्र खोद दी सर। ओके कूल। उस दुकान में कॉफी बहुत अच्छी मिलती है, कॉफी विद ब्राउन शुगर। रिटायरमेंट के समय में आपने अच्छा होटल ढूंढा है। वैसे सर आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है? सर चाहता हूँ अच्छे हो ना। हाँ अच्छा। कॉफी? थैंक्स भाई। पहले पियो फिर थैंक्स बोलना। वे, ये क्या है? यस सर, मैंने इसे एंटी कोविड कॉफी दी है। इसे पीने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता। मैं एंटी कोविड पालक सूप लाता हूँ, ठीक है? दोबारा तुम यहाँ पर आओगे ही नहीं। ये पेपर पढ़ो। ये पीने से अच्छा है मैं पढ़ लूँ। बाप और बेटे को पुलिस स्टेशन में लाया था। हमारी पुलिस ने उन्हें मरने तक टॉर्चर किया। पता है सर, इस बारे में पढ़ा है मैंने।
हमारे स्टेट में पुलिस डिपार्टमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइल हैं, उनमें से 340 केसेस के काम में हमारे पुलिस वाले ही हैं। हमारा डिपार्टमेंट इतना खराब क्यों हुआ पता है क्या? अच्छे पुलिस वालों को आप काम से निकाल देंगे तो और क्या होगा सर? सर आप मुझे कॉफी पिलाने के लिए लाए हो ना, ऐसी थर्ड क्लास जगह पर लाकर मुझे फालतू के टॉपिक्स क्यों बता रहे हो सर? ठीक है, ये जगह और इन लोगों को देख के तुम्हें क्या लग रहा है बताओ? Cheers. Yo 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 yo. बन खाना है। ये फैमिली सरफरी हो गई है और कैसे जीना है ये सोचकर इस रेस्टोरेंट में टाइम पास कर रहा है ऐसा लग रहा है सर। इनके बारे में जानकर मैं क्या करूं सर? ये सारे अंडरकवर पुलिस एजेंट ये कहूंगा तो तुम मानोगे क्या? कल तुम्हारी टीम में पुलिस प्रोटोकॉल को सब ने फॉलो किया था। काम के बारे में सोच भी ना तुमने एक साधारण इंसान की जान के बारे में सोचा था। और ठीक उसी तरह आम लोगों की मदद करने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्हें सस्पेंड किया है। हाथी सिटी में रहने वाले 129 पुलिस स्टेशन के वीडियो और ऑडियो हम एक्सेस कर सकते हैं। घर साफ रहेगा तो रास्ता साफ होगा, देश साफ होगा, पुलिस स्टेशन सेफ होगा, तो उसके अगल बगल में 5 किलोमीटर के एरिया में कोई क्राइम नहीं होगा, सब कुछ सुरक्षित और सेफ होगा। असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर कांस्टेबल तक यहाँ पर सबके मोबाइल फोन ट्रैक होते हैं। तो प्रभा तुम्हारी ड्यूटी होगी मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। सिटी में कौन सा पुलिस वाला क्या गलती कर रहा है ये तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए तुम पुलिस में काम कर रहे हो ये बात किसी को पता ना चले, सो वेलकम टू इंटरनल अफेयर्स। और अब से ये होटल ही तुम्हारा पुलिस स्टेशन है। हो गया ना सर? प्लीज सर, अगले महीने मेरी शादी है, घर में पता चला तो बेइज्जती हो जाएगी सर। सर प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दीजिए सर, प्लीज सर, मैं भीख मांगती हूँ आपसे प्लीज। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, तुम्हारी वीडियो अभी अपलोड करता हूँ। कैसे करोगे सर? प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे मेरा फोन, तुमने मेरा फोन देखा क्या? मजाक। ए, तुमने अंकल का फोन चुराया ना? तुमने ही चुराया, मैं जानती हूँ। तो तुम हो चोर अंकल? हो मैं चोर नहीं हूँ। चोर 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 चोर। अगर मैंने चुराया होता तो मेरी जेब में रहता ना, लो खुद ही देख लो। मुझे ये सब नहीं पता, तुमने ही फोन चुराया। अरे मुंह बंद कर अपना, चुप नहीं तो मार डालूंगा। हाँ, ये इतना चिल्ला रही और तुम चुपचाप खड़ी हो? वो सब मुझे नहीं पता, चलो पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन चलो? गवाह कौन है? मैं हूँ ना। क्या प्रॉब्लम है? पहले तुमने जो देखा वो इसे बताओ। हाँ मैडम, मैंने देखा, मोबाइल इन्होंने चुराया। मैंने, चलिए सर पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं। चलिए पुलिस स्टेशन क्यों नहीं? चलिए ऐसे क्रिमिनल को पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे तो पैसे देकर ये छूट जाएगा। एक काम करते हैं, इसे कमिश्नर ऑफिस लेकर चलते हैं, यही अच्छा होगा। क्या कहते हो क्रिमिनल? कमिश्नर ऑफिस चलना? हाँ हाँ चलो जल्दी चलते हैं। बहुत जोर से मारा। सुनो इसे रिमांड में ले लो। सर कोई और रास्ता नहीं था, ले जाओ। मैं गिर गया था, प्लीज सर। ठीक है चलो, अपना काम तो हो गया। अच्छा वो सर जरा एक मिनट वेट कीजिए ना। मैं ये केस कौन से सेक्शन में जाएगा ये डिस्कस करके आता हूँ, आप थोड़ी देर वेट करो ना। भाई ये बताओ, मैंने तुम्हें पुलिस को मॉनिटर करने के लिए अंडरकवर में काम करने के लिए कहा था और तुम एक बच्चे के हाथों पकड़े गए, तुम ऐसे कैसे काम करोगे? हाँ क्या हुआ? इसे देखिए, ऐसे भी करुणा करण का मोबाइल है, छोटी बच्ची का वीडियो बना रहा था। हमें डांटने से अच्छा है आपको उसके साथ क्या करना है वो सोचिए। ये मेरा कार्ड है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। ठीक है चलते हैं। ठीक है बाय निशा, चलो। मेरे खिलाफ जाएगा? बोल बोल। पापा नमस्ते। हाँ आप कैसे हो पापा? बोलो आदि।
आज रात को हमने कंसाइनमेंट प्लान किया है। मेरे बंदे आज रिलीज हो रहे हैं, उन्हें काम सौंप कर खत्म करो। देखो माइकल ने क्या हाल किया है तुम्हारा, उसके वफादार बंदे थे ना, अब क्या सोचा तुमने? माइकल का कंसाइनमेंट आज रात को ट्रांसपोर्ट होने वाला है, अगर वो पुलिस के हाथ लगा तो ये उसके लिए बड़ा झटका होगा। दास कुछ भी करके मुझे बचाओ। मुथु कंसाइनमेंट भी पकड़ा जाएगा और वो मरेगा भी, और वो भी तुम्हारे हाथों से। किलो कोकेन बेंगलुरु हाईवे से स्मगल हो रहा है। हाँ आ जाओ तुम भी आओ। क्यों रे, पुलिस वालों ने माइकल का माल पकड़ा या नहीं? पकड़ लिया है ना? स्मगलिंग करता है, चल लीजिए। बाबा पुलिस वालों ने ट्रक को पकड़ लिया। आज तेरा खेल खत्म हो गया। शिकार पर नजर रखना और घमंड से जंगल में घूमना, वो भी शेर के राज में। माना कि बिल्ली का रिश्ता शेर की फैमिली से है, तो क्या हुआ वो शेर बन जाएगा? ऐसा कभी न हुआ है न होगा। अब तुझे समझ में आ गया होगा कि बिल्ली कौन है और शेर कौन है। हाँ? अरे प्रभा तुम गाना क्यों सुन रहे हो? वो नंबर प्लेट लेकर आ रहा है सबूत के तौर पर। ए, गाना बंद करो नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। आ गया, अब मौत पक्की है। अरे सर, सर चाय पियोगे क्या? अच्छा बूस्ट। ए, जो बैक। सर बादाम मिल्क शेक। दीदी बादाम मिल्क। ए, तुम्हें अक्कल नाम की चीज नहीं है क्या? पुलिस वाले जो झोल कर रहे हैं उसी को मॉनिटर करने का काम दिया गया है तुमको। करेक्ट सर। करुणाकरण को उसके गलत काम करने के लिए सस्पेंड किया गया, तो उसका घर ढूंढ के उसे मारने क्यों गए? करुणाकरण को पीटा गया क्या? देखो 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 देखो, तुम अंडर कवर हो इसलिए तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसके घर के एरिया में सीसीटीवी होता है, तुम्हारी कार का नंबर दिख जाता तो फिर क्या करते हैं ये बताओ? अगर तुम्हारा कवर ब्लो हुआ तो अक्यूज की जरूरत नहीं है, एक पुलिस वाला ही काफी है और तुम्हें एक सेकंड में खत्म कर दिया जाएगा। इस काम को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे तुम?
ओके, मैं समझ गया सर। तुम कभी नहीं समझोगे, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। बैल की रस्सी खींचो तो वो भी लाइन क्रॉस नहीं करता। तुम यहाँ? लेकिन तुम कब सुधरोगे? मालिक मालिक, लस्सी ही तो है, गलती से गिर गई, मैं दोबारा बना देता हूँ ना। आप जाकर बैठिए। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो भैया? कौन है ये जो तुम पे चिल्ला रहा है? ये तो ओनर है, गलती से लस्सी गिर गई इसलिए गुस्सा है। कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा, आप जाइए ना। क्यों? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, भूल गए क्या? क्या है प्रभा? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भैया। थैंक यू। चलिए ना, अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके डिनर करते हुए चिल करते हैं। अरे चलिए, ये रेस्टोरेंट ही तो है, यही खा लेते हैं। अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है क्या? अच्छा, कहीं और क्यों जाना है? ये भी अच्छा रेस्टोरेंट ही है। हाँ, आइए ना, तो यही खाते हैं। चलो चलो, आइए आइए भैया। भाई भाई भाई, एक मिनट रुको। मैंने देखा कि तुम मेरे भाई को डांट रहे थे। हाँ? मैं कौन हूँ पता है क्या? अरे अरे, तुम्हें कैसे पता होगा, मैं खुद बताता हूँ। काशी मेडू के रवि को जानते हो क्या? रावड़ी, मैंने उसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है और उसने एक्सेप्ट कर लिया। और ये बात ना मेरे भाई को भी नहीं पता है। हम तुम्हें ऐसे ही खत्म कर सकते, समझे ना? चलो अब जाओ, चल निकलना। सिली फेलो। क्या कहा आपने? मैंने उसे समझा दिया, चिंता मत कर, अब वो तुम्हें कभी नहीं डांटेगा। अच्छी तरह से समझाया है उसे। ऊपर वाले। अरे तू बेटा, ऑनर है तो डांटेगा क्या? तो क्या? ए, तू यहाँ काम ही क्यों करता है? इसका खानदानी पागल है, ये इतना रूड क्यों है? मुझे आज हमारी एनिवर्सरी है, क्या फालतू बातें कर रहे हो? एनिवर्सरी है ना। हाँ तो चलिए जमाते हैं। इस होटल की खासियत यह है कि हमारे पास मेन्यू कार्ड ही नहीं है। कस्टमर की आजादी ही हमारे लिए हमारा लक्ष्य है। अच्छा, तुम अपने फेवरेट होटल का नाम बताओ, हम तुम्हें उसी होटल का स्पेशल टेस्ट और फ्लेवर देंगे। ओ, तुम्हें वो रेस्टोरेंट याद है, वो मेनलैंड हांगकांग? हाँ ठीक है। हाँ, हमें वहाँ का सूप चाहिए। तुमने सुना ना? हाँ, सुना। ठीक से सुना, कौन सा सूप है ये पूछो। कौन सा सूप? टोमेटो सूप। अब टोमेटो नहीं, मशरूम सूप। अरे यार, टोमेटो या मशरूम? अब मशरूम यार, मेनलैंड का मशरूम सूप वन। ओके, लेकर आओगे ना? हाँ अभी आ जाएगा, लेकर देखते हैं ना। दीदी दीदी दीदी, वो डिलीवरी वाला सीधे अंदर ही आ रहा है, रोको प्लीज। तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे, ओवर एक्टिंग मत करो, फंस जाएंगे। ए मशरूम का क्या हुआ, जाओ जल्दी जाकर देखो। देख रही हूं, अरे जल्दी जाओ, उसे फिल्मों में काम करना है। अरे बच गया, ये रहा मशरूम सूप। ऐसे बोलें जैसे खुद ने बनाया हो। नेक्स्ट मेन कोर्स बताएं। हाँ हाँ, बोलिए। 42 किलोमीटर। हम लोग एक बार ओएमआर नवलुरु के 42 किलोमीटर, पूरा एक घंटा लगेगा। अब एक घंटा लगेगा, चलेगा क्या? एक घंटा क्यों, इतना टाइम क्यों? ट्रैफिक का टाइम है। वो बहुत दूर है, 42 किलोमीटर, वही टेस्ट यहाँ लाने के लिए इतना टाइम तो लगेगा ना। अगल बगल के होटल का टेस्ट बताइए ना, जैसे कि गणपति होटल। अभी वो था ना। येलो। थैंक्स यार। अरे भैया, भाभी इतनी डल क्यों लग रही है? प्रभाव, ये हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी है, अभी तक हमारे घर में बच्चा नहीं आया ना। 2-3 times हमने IVF भी ट्राई किया है लेकिन काम नहीं बना। अब हम ये खोल के नहीं बोल सकते और एक दूसरे को समझा भी नहीं सकते। अब बैठी रहो, डरो मत। क्या बेटी, बच्चा नहीं है इसीलिए दुखी हो क्या? मेरा तो एक बच्चा था, बड़ा हुआ, धीरे धीरे जवान हो गया और फिर अपने रास्ते चला गया, हम सबको अकेला छोड़ गया। एक अंधे को ही उजाले की वैल्यू पता होती है बेटी, ठीक उसी तरह जिन माँ बाप के बच्चे नहीं होते उन्हें ही दर्द का एहसास होता है। मुझे इस बात पर तो यकीन है, जन्म देने वाला बच्चा ही हमारा बच्चा नहीं होता है बेटी। ए, कौन है वो? भैया जरा रुको। जिसे तुम पैदा करो, हो सकता है वो छोड़कर चला जाए, लेकिन एक अनाथ को गोद लेकर भी तुम माँ बन सकती है बेटी, मैं सच कहता हूँ।
वो तुम्हें बहुत मानेगा, कभी छोड़ कर नहीं जाएगा तुम्हें, मुझे पूरा विश्वास है। पता नहीं मैंने क्या पाप किया। बस बहुत हो गया, सॉरी मैडम सॉरी। मेरा बेटा ही मुझे अनाथ कर गया। कोई बात नहीं, सॉरी मैडम, वेरी वेरी सॉरी। आराम से आजा। अरे रो मत, मेरा बेटा ही मुझे अनाथ कर गया, मुझे सब कुछ हार्श वे में कहा, लेकिन उन्होंने जो भी बात बोली वो बिल्कुल सही है। आपको अपना बच्चा चाहिए या फिर अपना कहने वाला बच्चा चाहिए? तुम क्या कर रही हो? आपने कहा था ना आज दादाजी आने वाले हैं, उनका बर्थडे, उनके लिए गिफ्ट बना रही हूँ। हेलो माँ जी, आइए। हाय हाय दीदी। हाँ, इनके हाथ से ये बैग्स ले लो। हेलो, मैं प्रभा का भाई हूँ। ओके, प्रभा नहीं आया क्या माँ जी? वो अपने पापा को लेकर आ रहा है। ओके। पहले आप अंदर जाइए पापा। श्री, तुमने ये फैसला किया इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम इस बात पे श्योर हो ना? मैं बच्चा अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ कार्ती, लेकिन वहाँ देखो कितने सारे बच्चे हैं, और हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल ही होगा ना, तो हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? इसे लेकर जाएं उसे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझसे ये नहीं हो पाएगा। इनमें से किस बच्चे को अडॉप्ट करना है ये तय करना बहुत मुश्किल काम है। हैप्पी बर्थडे। ये क्या है बेटा? देखिए, मैंने आपके लिए बर्थडे गिफ्ट बनाया है। मुझे पता चला कि आप रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए मैंने ये गन बनाई है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटा। निशा बहुत पसंद आई है। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, आप जाइए। बाय बाय जननी। हाँ? हम निशा को अडॉप्ट करना चाहते हैं। निशा को अडॉप्ट करने में बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं। मेरे लिए तुम ये नहीं कर सकती हो? ऐसी बात नहीं है, इस केस का डॉक्यूमेंटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारा नंबर दे दो, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं डायरेक्टली तुम्हें भेज दूंगा।
स्टार्टिंग नंबर 91 क्या हुआ? तुमने जो कार्ड दिया था उसमें सिर्फ ऑर्फनेज का लैंडलाइन नंबर था, इसलिए नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी भाभी का नंबर ले लिया है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में उनसे बात कर लूंगी। ऐसा क्या? ठीक है, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, चलता हूँ मैं। तुम जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बोलो क्या करना है। मुझे तुमसे कुछ कहना था, आज तुमने यहाँ के बच्चों को इतना महंगा खाना खिलाया, ये तो सिर्फ आज के लिए हुआ, कल अगर बच्चे वही महंगा खाना फिर से मांगेंगे तो क्या करूंगी? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ, अगर इतने सारे पैसे तुम एक दिन में खर्च करने के बजाय तुम रेगुलरली इस ऑर्फनेज में कंट्रीब्यूट करते तो ज्यादा अच्छा होता ना। अच्छा, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, अब मैं उसके लिए भी डोनेट कर दूंगा। तुम्हारा नंबर बोलो ना। मैंने फोन नंबर पहले ही दिया था ना, तो नंबर के लिए भीख क्यों मांग रहे हो? बहुत होशियार बदमाश है। ठीक है, चलता हूँ। ये क्या कह रही हो निशा को? तुम हमें अडॉप्ट करने के लिए कह रही थी, अब किसी और को अडॉप्ट करने के लिए कह रही हो? निशा को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बेटी, हम 2 साल से निशा का अच्छे से ख्याल रख रहे थे, पिछले 6 महीनों में हमने उसे बहुत मिस किया है। हमारा काम सिर्फ बच्चों का अडॉप्शन करवाना ही नहीं है, हम ये भी मॉनिटर करते रहते हैं कि बच्चा खुश है या नहीं। उसे आपके साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए 6 महीने पहले उसे फिर से ऑर्फनेज लाया गया था। बच्चा कैसे समझेगा, वो धीरे धीरे हर चीज से वाकिफ हो जाएगी। आपका यह बर्ताव ही गलत है, आप जैसे लोग बच्चों को सिर्फ दिखावे के लिए अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्शन का मतलब किसी डॉगी को घर ले जाना नहीं होता है, हमारे बच्चे उनकी तरह पूंछ हिलाकर आपके पीछे पीछे नहीं आएंगे। बच्चों को सब समझ में आता है कि कौन उन्हें प्यार करता है और कौन नहीं करता। निशा को एक ऐसी फैमिली मिली है जो उसे बहुत प्यार करेगी और वो भी वहां बहुत खुश रहेगी, तो प्लीज आप लोग इस पर साइन कर दीजिए और जाइए। हम उसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे, निशा हमारी है, मैं साइन नहीं करूंगा। ये तो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है और मैं जानती हूँ कि उसे उस फैमिली में कैसे भेजना है, आप लोग जा सकते हैं। प्लीज आप निशा को निशा को वापस कैसे लाना है ये मुझे पता है, चल। दीदी, मैंने सरप्राइज के बारे में उसे नहीं बताया है, आप भी मत बताना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वो आ रही है। हाँ, हम बस निकल रहे हैं दीदी, ध्यान से आना। हाँ, बाय। निशा, तुम खुश हो ना, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास ले जाओ। ओके। ए, तुम कहाँ हो, रात को घर भी नहीं आए? मैं रेस्टोरेंट में हूँ। तुझे पता है ना कितना स्पेशल दिन है, निशा को आज हम घर ला रहे हैं, तू नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा? मैं वहाँ नहीं आऊंगा, निशा के आने के बाद मैं आ जाऊंगा।
अरे तो मैं पहले ही बोल दिया था ना, सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही होंगी। चार लड़कों ने एक लड़की को किडनैप किया है अशोक नगर सेकंड एवेन्यू से। ये क्या हो रहा है? एक आदमी ने इंसिडेंट किया है ब्रॉड रोड बड़ा पलानी में और वो लोगों को गन दिखाकर डरा रहा है। ओवर। प्रभा, जो पुलिस उस लड़की को बचाने जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहे? ये हमारा काम नहीं है, ये सब पुलिस हैंडल कर लेगी। अरे इसे तो हम कौन है दीदी? बगल के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो, वो लोग देख लेंगे। बगल के पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस बिजी हैं। अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। प्रभा, ए, प्रभा, ये हमारी बात कभी सुनता ही नहीं है। तुम कमिश्नर को अच्छी तरह जानते हो, ऑलरेडी तुम सस्पेंड हो चुके हो। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो तुम अपना काम खो दोगे। काम ही ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया आप तो कुछ बोलो। प्रभा, आप इसका साथ दे रहे हैं। चलो उतरो। भाई हम तैयार हैं, आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई पुलिस अभी तक आई क्यों नहीं? प्रभा तुम जिस एरिया में हो उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है ना, वो लोग उसी में गए हैं। धंधे यार, एक मिनट रुक मैं जाके आता हूँ। फालतू की बात मत सोचना, लड़की को सिर्फ किडनैप करने के लिए कहा था और मुसीबत नहीं मोल लेना। वैसे भी अपन इस केस में अंदर जाने वाला है, नहीं करेगा तो भी जाएगा। वैसे भी लड़की बहुत सुपर है, गलत नहीं है मानी। अशोक नगर में हमारे पुलिस वैन का एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से बैकअप भेजिए। एक गुंडा एयरपोर्ट रोड पर चाकू से लोगों को डरा रहा है, बाहर से भी पुलिस वाले उस रोड पर जाइए। अभी अंदर जाओ। Come on.
स्टेशन में पर कह रहे हैं कि सारे पुलिस वाले बिजी हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रभा। नहीं प्रभा, सीसीटीवी में कुछ भी क्लियर नहीं आया है। उस समय मॉल से लगभग 60 गाड़ियां बाहर निकली हैं। उनकी कार कौन सी है कैसे पता चलेगा ये? उन्होंने ये सब पूरी प्लानिंग के साथ किया है। निशा को किडनैप करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने उस कॉलेज की लड़की को किडनैप किया था। प्रभा, ये दोनों काम एक ही टीम ने किया है, कैसे कह सकते हो? मॉल से जब निशा किडनैप हुई तो जन्नी ने पुलिस स्टेशन में पूरे 15 बार कॉल किया था, लेकिन एक भी पुलिस वाला वहां पर नहीं आया। उस समय उस एरिया के पुलिस वाले अलग अलग क्राइम में बिजी थे। बिजी करने लगा है उन्होंने। छोड़ो मुझे, कहां ले जा रहे हो? अपने हेल्प के लिए बैकअप चाहिए। मैं पक्का कहता हूँ ये सारे क्राइम करने वाली एक ही टीम है। आप, मैं समझा नहीं प्रभा, तुम कह रहे हो कि वो लोग क्राइम करके पुलिस के हाथ खुद ब खुद फंसे? हाँ? पुलिस के हाथ लगना ही उनका प्लान था। ये देखो, मैक्सिकन ट्रक कार्टेल का पैटर्न फॉलो किया है इन्होंने। 100 केजी कोकेन स्मगल करने के लिए उसी रूट पर 100 केजी पहले गांजा भेजेंगे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने वाले भी वही होते हैं। जब पुलिस 100 केजी गांजे को बरामद करने में बिजी हो जाती है तभी किसी को पता लगे बिना उसी रूट से इजीली वो लोग कोकेन स्मगल करते हैं। ये उसी तरह का एक पैरेलल क्राइम है और डिविएशन क्राइम। निशा को किडनैप करने के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है। अगर हमने उनके प्लान को ठीक से समझा तो हम निशा को पक्का ढूंढ सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑर्फनेज में आकर मुझे धमकाया था। ओके, हम उन्हें पकड़ लेंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है? 2-3 महीने में किस एरिया में किस पुलिस स्टेशन का ग्रुप कितना बिजी था ये चेक कर पहले। हाँ, एक मिनट प्रभा। पिछले महीने की 24 तारीख को चेन्नई टू ट्रिची हाईवे पर मराईमलई नगर गुड़वांचेरी उरुपक्कम इन चारों पुलिस स्टेशन में सेम टाइम पर कंप्लेंट हुई थी। जैसा तुमने कहा, सारी पुलिस स्टेशन 2 घंटों के लिए बिजी हो गए थे। उसी समय रिजर्व फॉरेस्ट के पास में पुलिस ने 50 किलो कोकीन भी पकड़ी। सेम इंसिडेंट इस महीने की 13 तारीख को त्रिवरमयूर में भी हुआ था। इन दोनों इंसिडेंट्स में एक बात बहुत ही कॉमन होगी, या तो वो इंसान या फिर वो गाड़ी है, कोई तो एक चीज कॉमन जरूर होगी। जरा देखो और बताओ प्रभा। 0370 ऑडी कार दोनों इंसिडेंट में सेम टाइम पर थी। निशा जिस मॉल से किडनैप हुई है वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। वही कार मद्रास मॉल के पास भी गई थी।
वो गाड़ी कहाँ है वो पहले ट्रैक करो। वो ऑडी कार ईसीआर टोल गेट के पास में है। उस कार ने सिटी लिमिट्स पार कर ली है। हमारे पास मॉनिटर करने को कैमरा नहीं है। हाई एंड कार है ना, कार की जीपीएस को हैक करके देखो वो कौन से रूट से जा रहा है। नहीं प्रभा, ये कार इंटरनेशनल कंपनी की है यार, इसका जीपीएस हम ऐसे ट्रैक नहीं कर सकते। रास्ते पर कैमरा नहीं है ना, उसके कार में तो कैमरा होगा। उस कार के रिवर्स कैमरे को हैक करने की कोशिश करो। हाँ ठीक है। Yes. प्रभा, वो कार जर्मन मेड है लेकिन उसका कैमरा चाइनीज ही है। हम उन्हें पकड़ सकते हैं। प्रभा, उस कार ने कोवलम क्रॉस किया है। ये क्या हो रहा है? हमारा ही लड़का है। उन्होंने तुम्हारे बेटे के ऑर्डर्स को फॉलो किया है लेकिन उनमें से एक ने लड़की का रेप करने की कोशिश की, इसीलिए सबके ऊपर रेप केस लग गया। सिर्फ पुलिस ने पकड़ा ना, कोई सबूत तो नहीं मिला ना? नहीं भाई, जो आया था वो पुलिस वाला नहीं था, किसी और ने घुसकर हमारे लड़कों को मारा। ए, तुमने उसका चेहरा देखा क्या? अरे नहीं भाई, उसने मास्क पहनकर सबको मारा, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए, बहुत होशियार था वो। हे प्रभा, वो कार किसी गोडाउन में जा रही है यार। कैमरा एक्सेस भी बंद हो गया है। कंसाइनमेंट में जो लड़की बच गई थी मैंने उसे भी उठा लिया है। ऑलरेडी हमने डील भी कर लिया है, हमें अब और भी ज्यादा। पागल हो गया है क्या? आदि, उसे छोड़ देना चाहिए था। गलती कर दी, किसी बंदे ने घुसकर हमारे लोगों को मारा पीटा है। ऐसे समय पे तुमने बच्ची को उठा लिया। अगर वो अकलमंद है तो मुझे यकीन है वो तुम्हारे आस पास ही होगा। अभी कहाँ हो तुम? पापा, अपने गोडाउन में हूँ। वहां से अपने लोगों को लेकर जल्दी निकलो। और लड़की का क्या? मार कर निकल जाओ। यहाँ कोई सबूत मत छोड़ना, पेट्रोल से जला दो सब कुछ। तुम गाड़ी निकालो। उन्होंने कार को ऑन किया है, कैमरा एक्सेस मिल गया है, पर गाड़ी कहां ये पता नहीं चल रहा। प्रभा, मैंने तेरी बाइक को देखा। तुमने अभी यहां से बिल्डिंग क्रॉस की है, वो लोग वहीं पर है। Mama says, trigger, trigger, trigger.
मुझे आज ही बेल चाहिए, अरेंज करो से। सेफ्टी के लिए यहाँ पर दो पुलिस वाले रहेंगे, वो सब संभालेंगे। निशा के एडॉप्शन के लिए दी हुई सारी फैमिली की डिटेल्स इसी में है ना? और कोई रिकॉर्ड तो नहीं है ना? नहीं। ये मेरे दोस्त प्रभा के भैया और भाभी हैं सब। इस बारे में किसी को बताना मत। जन्नी, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तुम नहीं समझ रहे हो प्रभा, दो लोग मेरी आंखों के सामने मरे हुए थे। निशा पर क्या गुजरी है तुम सोच भी नहीं सकते। इस सब को तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, क्रिमिनल्स अब मर चुके हैं, डरने की जरूरत नहीं। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? हर सेकेंड मुझे डर लग रहा है। ये बच्चे और आश्रम ही मेरे लिए सब कुछ है प्रभा, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। ऐसा कुछ नहीं होगा जन्नी। तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो प्रभा? निशा जिस दिन किडनैप हुई थी, मैंने कितनी बार पुलिस को कॉल किया पर कोई भी नहीं आया, और तुम मुझे कह रहे हो कि कुछ भी नहीं होगा। निशा को बचाने वाला मैं ही हूं, और मैंने ही उसे किसी को बताने के लिए मना किया है। I work for the undercover division in the police department, और मैं किसी को कुछ भी होने नहीं दूंगा। मेरी बात सुनो, मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया भाभी, किसी को भी ये बात नहीं पता। मेरे लिए सबसे ज्यादा तुम और निशा, जब तक मैं हूं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, वादा करता हूं। बस मुझे जरूरत है तो तुम्हारे भरोसे की जननी। हेलो भाई, कैसे हैं? आपका पुराना घर भाई नया लग रहा है ना? मैंने सब कुछ नया करवाया है। मैंने आपके बारे में सुना है भाई, लाइफ में आपकी तरह बनना मेरी इच्छा है भाई। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है मैं ज्यादा बोल गया। आप बैठिए, मैं बस अभी आया भाई। ये आधी बस निकला माइकल, और इस वक्त सिटी के आउटर हॉस्पिटल में है। गोली सिर के बीचों बीच मारी है, बंदा वेल ट्रेंड है। उसके हाथों से बचने के लिए आदि के पास दिमाग नहीं है प्रकाश। आदि को भागने के लिए छोड़कर वो मुझ तक पहुंचना चाहता है। वो पक्का आदि के हॉस्पिटल के आसपास ही होगा। भाई मैं अंदर आ गया, तुम सब अपने पोजीशंस पर हो ना, वो पक्का यहाँ पर आएगा। मुझे उसका चेहरा देखना है। सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने, मुझे उसका चेहरा देखना है। प्रभा ऑडी सेकंड फ्लोर पर है। मेरी बात सुनो, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम भी तो पुलिस ही है ना, देख लेंगे। प्रभा
भैया आपको बी ब्लॉक में होना चाहिए था। ये क्या है? तुम्हें जरूरत पड़ेगी। प्रभा, आदि के रूम के अंदर कोई जा रहा है। तुम बेवकूफ हो, इतनी बड़ी गलती कर दी। तुम उसका चेहरा तो देख सकते थे। ठीक से नहीं देखा पापा, बहुत ज्यादा धुआं था वहाँ। अब तक तुम मेरे किसी काम नहीं आए, देखता हूँ इसमें तुम कामयाब होते हो कि नहीं। जो आदमी वहाँ आया है वो तुम्हें मारना चाहता है। पापा, भाई पर मत होना आदि, वो तुम्हें एक सेकंड में मार देगा। पापा, नहीं पापा, मैं आपका बेटा हूँ। मरने से पहले मेरे मुंह से एक सच सुन लो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। क्या कह रहे हैं आप पापा? मेरा बेटा तुम जैसा बेवकूफ नहीं हो सकता। मुझे मत मारिए पापा। वो बहुत होशियार है। आपको कौन से फ्लोर पे जाना? थर्ड फ्लोर। भाई मुझे मत मारो। के बाहर है, शायद वो लिफ्ट में। सेकंड फ्लोर में शायद कोई प्रॉब्लम है। चले बोल रहे हो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं वहां से कैसे निकलूंगा? देखो वो यहाँ पर एडमिट हुआ है, इसके गले पर चाकू रख के तुम वहां से निकल जाओ। अरे क्या कर रहा है? पुलिस वाले भी कोई किसी की जान लेने के बाद स्पॉट पे रुका रहेगा क्या? मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अगर तुम्हारे कवर ब्लू हुआ तो वो तुम्हें बिना सोचे समझे मार देंगे। कोई मेरे नजदीक आया तो मैं इसे मार दूंगा। छोड़ो उसे। वो हमारे नजदीक आता जा रहा है, हम कौन हैं उसके ये जानने से पहले हमें उसे खत्म करना है। पिछले कई सालों में हमें कोई परेशानी नहीं हुई माइकल, ये कहां से आ गया? 5-6 महीने में सिर्फ 40 पुलिस वालों को जेल में डाला गया है, 30 से ज्यादा सस्पेंड भी हुए। तुम्हें इस बारे में पता होगा, जब मैं जेल से रिहा हुआ था तब डीसी को जेल में देखा था। मुझे पक्का यकीन है कि इसमें इंटरनल अफेयर्स का हाथ है। हॉस्पिटल में जो मरा उसका फोन पुलिस के पास है। तुमने ये मुसीबत क्यों मोल ली? क्यों किया तुमने ऐसा भाई? बकवास। एक अच्छे इंसान के साथ बुरा हो रहा है। तुम्हारे जज्बातों की वजह से देखो तुमने अपना काम खो दिया, अब क्या करोगे तुम? कभी नहीं सुधरोगे तुम। जा। छे। आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की सर? अगर आज आप उसको नहीं मारते तो मैं ही मार देता।
आपने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया ना सर? नहीं प्रभा, तुम्हारे लिए नहीं किया। एक बच्चे के लिए उसका पापा ही हीरो होता है, लेकिन मेरे बेटे की नजर में मैं रिश्वतखोर हूं, दारू पीने वाला एक बेवड़ा हूं। मेरा बेटा 15 साल का होगा, रिश्वत लेने की वजह से मुझे डिसमिस किया गया था। किसी को पता नहीं है कि वो झूठ था, सिर्फ कमिश्नर को मालूम था। बेटे पर आरोप नहीं लगा सकता, उसे स्कूल में सभी चिढ़ाते थे। एक न एक दिन तो मुझे बताना ही था। मैं पीकर गिरने वाला बेवड़ा नहीं हूं, ये बस मेरी एक आदत है। मैंने ये सब अपने लिए किया प्रभु, क्या करता। ये मैंने किया है उसे पता नहीं है, उसे आज पता नहीं चलेगा लेकिन आगे जरूर चलेगा। लेकिन एक न एक दिन मुझे बड़ी छाप छोड़नी है प्रभा, अपने बेटे को ये बताने के लिए कि मैंने किया है। मैं करूंगा। प्रभा, हॉस्पिटल में जो मरा ये उसका फोन है, मैंने पूरा सर्च किया, सिर्फ मुझे वॉइस नोट मिला है। जरा प्ले करो। अरे पुलिस वाले, लगा था कि तेरी मेरी मुलाकात आज होगी, लेकिन तू भीड़ में चूहे की तरह छुपा था। तेरा विलन कोई भी हो सकता है, लेकिन तेरा नसीब खराब है जो तूने मुझसे पंगा लिया। तू मामूली मौत मरेगा ऐसा सोचना भी मत, मैं तुझसे जुड़े सारे लोगों को मारूंगा। तेरी फैमिली है ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। सबके मरने के बाद तुझे खत्म करूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पहचान लिया उस दिन तेरी फैमिली और तेरे साथी नहीं बचेंगे। ए, प्रभा, आज वो जल्दी निकल गई और मैं लेट हो गया। प्रभा, कार्थी, क्या हुआ माँ? पापा दिख नहीं रहे हैं, पूरा घर छान मारा, कहाँ गए होंगे वो? माँ, छत पे देखा क्या? देखा बेटा, वो वहाँ पर भी नहीं है, कहाँ गए होंगे कुछ समझ में नहीं आता। क्या था? ए, तुम मेरे साथ बताओ, यहीं पर रहना। चलो माँ, पापा आ जाएंगे। आओ। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे पता नहीं प्रभा, कुछ सोच कर मैं यहाँ आया था, पर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। चलिए अब बैठिए। मैं वहां क्यों गया था? कोई बात नहीं, आप आइए, सब ठीक है। आइए। माँ, पापा जिस बीमारी से जूझ रहे उसमें ये कॉमन है। प्लीज माँ, आंसू पोछो। माँ, पापा को अंदर लेकर जाइए। आई, चलिए, आइए ना। मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूं ना लक्ष्मी, मैं ये सब जानबूझकर नहीं करता। फादर, क्या आपने इन्हें कभी देखा है? हाँ बेटा, देखा तो है पर याद नहीं है। फादर, वो ओल्ड एज होम है ना, उसे कितने साल हुए हैं? उसको तो पूरे 25 साल हो गए हैं। आपको यहाँ पर कितने साल हुए हैं? मैं यहाँ पर पिछले 30 साल से सर्विस कर रहा हूँ। आप यहाँ थे तो ओल्ड एज होम नहीं था ना फादर? मैं जब यहाँ आया था तब यहाँ एक ऑर्फनेज था। मेरे यहाँ आने के बाद लगभग 1.5 साल में उस ऑर्फनेज के सारे बच्चों को एडॉप्शन में दे दिया गया था, इसलिए उस ऑर्फनेज को बाद में एक ओल्ड एज होम में कन्वर्ट किया गया। उस ऑर्फनेज में कितने बच्चे थे फादर? लगभग 50 से 60 बच्चे तो होंगे। 50 से 60 बच्चों को एक ही साल में अडॉप्ट करना, इसमें आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है फादर? ये क्या कह रहे हो,
अगर ऑर्फनेज के बच्चों को एक फैमिली मिल रही है तो ये तो वाकई बहुत ही खुशी की बात है। इसमें तुम्हें शक करने की क्या जरूरत है? इस बारे में मतलब उस समय के इंचार्ज से मैं बात कर सकता हूँ क्या फादर? इनका नाम सेतु है, ये उस वक्त ऑर्फनेज के इंचार्ज थे, लेकिन 93 में पुराने कमिश्नर के ऑफिस में जो फायर एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें ये भी जल गए थे। कौन सी फाइल बेटा? पापा के सर पे जो चोट लगी थी वही फाइल माँ। किस लिए चाहिए? डॉक्टर ने मांगी थी इसलिए। ये हॉस्पिटल में मरे हुए सेल्वम की बॉडी से मिले बुलेट्स हैं। वो कौन है ये जानने के लिए हमारे पास सिर्फ अभी यही सबूत है। मैं एक पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ, वो पता लगा लेगा कि गन का ओनर कौन है। वो लोग पुलिस को भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो हम पुलिस का भी इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते। तो हम किससे करवाएंगे ये? हेलो करना, डिपार्टमेंट से डिसमिस होने के बाद जिंदगी कैसी चल रही है? सुना तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें छोड़कर चले गए। कौन है तू? मुझे पता नहीं कि तुम दोबारा पुलिस वाले बनोगे या नहीं, लेकिन तुम्हें उस बंदे से बदला नहीं लेना है जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। उसके लिए मैं हेल्प करूंगा, पर तुम्हें वो करना होगा जैसा मैं कहता हूँ। साहब मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा, लेकिन वो कार में आया था गन लेने के लिए। हेलो, आपने जिस कार का नंबर भेजा था वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं था। बहुत शुक्रिया रमेश, मैंने कार ढूंढ लिया है। '93 में कमिश्नर ऑफिस में फायर एक्सीडेंट हुआ था और उसी दिन मेरे पापा पर अटैक भी हुआ था। इसका नाम है सेतु, उस ऑर्फनेज का ये इंचार्ज हुआ करता था। बस एक ही साल में ऑर्फनेज के पूरे 50 से 60 बच्चों का अडॉप्शन हुआ। इन बच्चों को लेकर वो कुछ तो क्राइम कर रहे हैं। उस क्राइम और मेरे पापा के केस में कोई तो लिंक है, वो क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जो भी उस कार में बैठे उसे मार दो, जिंदा ना बचे। भाई ये कोई बड़ी मछली नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए काम करता है। उसकी टीम का अगर चूहा भी मरेगा तो उसे देखकर वो घबराएंगे। ऐसा नहीं होगा क्या? इसी वक्त खेल शुरू करो। ऑर्फनेज से जो बच्चे उन्होंने लिए उनके साथ वो लोग क्या कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता सर। क्या यार प्रभा, जननी से पूछ सकते हो ना, उसे अडॉप्शन प्रोसीजर के बारे में पता है ना। ठीक है, मेरा जाने का समय हो गया, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना, गुड नाइट। बोलो प्रभा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ, वहाँ बाहर बेरुमल भैया को घेरा गया है। ये क्या कह रहे हो? अरे हाँ, वो लोग वहाँ खड़े हैं, उन्होंने इसे पहचान लिया क्या? अभी हम क्या करें? हाँ अच्छा, गन लेने के लिए भैया ने कौन सी कार इस्तेमाल की थी? वो अपनी कार में गए थे। भूल गए पार्सल? उन्होंने तुम्हें घेर लिया है, अगर तुम कार में बैठोगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे, बगल से निकल जाता। हाँ, सांभर गरम है सर, और साथ में मैंने दोनों चटनी भी डाल दी है सर। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। क्या हुआ?
वो हमारे अड्डे तक पहुंच गए हैं सर। वो कौन है हमें जानना होगा। ये देखिए सर, तुम्हारे पापा इंजरी के पहले केस हैंडल कर रहे थे प्रभा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे एविडेंस रिकॉर्ड रूम में रखे हैं। कमिश्नर ऑफिस में फायर एक्सीडेंट हुआ और वहां सारी फाइल्स जल गई। तुम्हारे पापा का हॉस्पिटल में एडमिट होने के दूसरे दिन ही उन पर केस लगाया गया, चाइल्ड किडनैपिंग केस। सर, पुलिस होने के बावजूद उन्होंने हमारे सामने बच्चे को किडनैप किया सर, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे पापा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, ये बात मुझे पता है, लेकिन उस केस में तुम्हारे पापा के खिलाफ विटनेस बहुत स्ट्रांग थे। हमारे पास उन्हें डिसमिस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। बाद में मैंने तुम्हारे पापा से उस केस के बारे में पूछा, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उन्हें कुछ भी ठीक से याद नहीं था। मेरे पापा ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस के बारे में जानकारी निकाली थी सर, लेकिन डिपार्टमेंट में किसी ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। अगर किया होता तो आज उनकी हालत इतनी खराब नहीं होती सर। ये देखिए सर, ये वो बुलेट्स हैं जो ब्लैक मार्केट से खरीदी थी। पुलिस एविडेंस रिकॉर्ड से किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है। किस पर भरोसा करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सच कहूं तो सर, मैं आप पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तो अब तुम प्रो पुलिस बन गए हो, लेकिन तुमने पेरूमल की कार का क्या किया? भाई, अगला कंसाइनमेंट कब है वो ये जानना चाहता है। भाई, अगला डिलीवरी कब है ये जानना चाहते हैं। पुलिस हमारे पीछे सांप की तरह मंडरा रही है, इसके लिए क्या ये समय ठीक है भाई? कल कंसाइनमेंट तो होगा, जरूर होगा। थैंक्स। पर तुम्हें ये डिटेल्स क्यों चाहिए? मैंने क्राइम रिपोर्ट देखी जन्नी, उन्होंने निशा को किडनैप करने का प्लान नहीं किया था। ये सब कुछ तो जल्दबाजी में हुआ है। मैंने गोडाउन में वैसे बहुत सारे बॉक्सेस देखे जिसमें निशा को रखा हुआ था। वो लोग निशा जैसे बहुत सारे बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। ठीक है, जब तुम किसी पेरेंट को बच्चा अडॉप्ट करने के लिए देती हो तो वो सेफ है कि नहीं ये तुम कितने साल तक मॉनिटर करती हो? 3 सालों तक। हम उन लोगों के घर जाते हैं और चेक करते हैं कि बच्चा उनके साथ कंफर्टेबल है या नहीं, उनका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। So, 3 साल होने के बाद तुम चेक नहीं करती कि बच्चा ठीक है या नहीं? नहीं प्रभा, मैक्सिमम 3 सालों में बच्चे पेरेंट्स के साथ अटैच हो ही जाते हैं। अगर उसके बाद भी हमने चेक किया तो उन्हें लगेगा कि हम कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए इस लिस्ट में उन 200 बच्चों की डिटेल्स हैं जिन्हें गए 3 सालों में अडॉप्ट किया गया है। इसमें फेक अडॉप्शन कौन सा है ये तुम कैसे चेक करोगे? हाँ मैं तुम्हें एड्रेस की लिस्ट भेजता हूँ, उस एड्रेस पर जरा आईडी चेक करना, जैसे आधार या फिर कोई और वेरिफिकेशन होगा तो वो जरा ढूंढना, और वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जरा वो भी देखना, या होम ट्यूशन जाते हैं क्या वो चेक करना, समझे ना? ओके प्रभा। तुम्हें स्कूल की डिटेल्स क्यों चाहिए प्रभा? जन्नी, फेक अडॉप्शन में वो लोग बच्चों को पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करने नहीं देंगे, वैसे ही उनका कोई आईडी प्रूफ भी नहीं होगा। अगर बच्चे गायब हुए तो इस आईडी कार्ड से क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सकता है। अगर हमने इन बच्चों की लिस्ट चेक की तो उसका अगला शिकार कौन है हमें पता चल जाएगा। भाई, ये काम करेगा ना? आपने बच्ची को स्कूल की नहीं भेजा? वो हमारी इंटर कास्ट मैरिज है, तो अगर बेटी को स्कूल भेजे तो पेरेंट्स को लेकर के थ्रेट्स आते हैं, इसलिए नहीं भेजा। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। सॉरी, मैं अपना फोन भूल गई। ले लीजिए। बाय बाय। 1 2 3 ए भागो भागो भागो, चलो चलो जल्दी। आप लोगों ने अब तक अपनी बेटी का आधार कार्ड नहीं बनाया, ये गलत नहीं है क्या? अच्छा, रहने दीजिए, बच्ची कहाँ है? बच्ची कहाँ है? वो अपने दादाजी के साथ बाहर गई है। ठीक
ठीक है, उन्हें कॉल कीजिए। लेकिन उनके पास फोन नहीं है। जन्नी, कुछ तो गलत लग रहा है। माँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। आपने बच्ची को स्कूल में क्यों नहीं डाला? उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में जानती हो ना, इसलिए हम होम स्कूलिंग कर रहे हैं। भाई, लड़कों ने बच्चों को उठा लिया है। सिटी में रैंडमली उन्होंने 20 बच्चों को किडनैप किया है। रैंसम मांगकर आज रात को उन्हें एक लोकेशन पर बुलाया है। ये तुम्हारे बताए उस केस से कनेक्टेड है क्या? नहीं सर, वो बच्चों को अडॉप्टेड घर में 3 साल रखकर प्लान करके किडनैप करते हैं, और वो लोग रैंसम नहीं मांगते हैं सर। वो भी पब्लिक प्लेस में बच्चों को किडनैप नहीं करते हैं। ये कोई और केस है सर। सॉरी, गलत मत समझिएगा, ये सब फॉर्मेलिटी के लिए है। इट्स ओके मैम। पैसों के साथ रूफटॉप बार में बुलाया है। पहले इस केस को फॉलो करो। ओके सर। बेटा, तुम अपने रूम में जाकर गेम खेलो, मैं भी आ जाऊंगा। चल बेटा, बाय। जननी, अब ये बच्ची हम दोनों से थोड़ी अटैच होने लगी है। इस बात को भूलने लगी है कि इसका कोई नहीं था। तुम्हारे आने की वजह से वो अनाथ है, ये बात उसे फिर से याद आने लगेगी। उसके बारे में कोई डिटेल चाहिए तो कॉल कीजिएगा, और अगर आप मिलना चाहें तो आप हमें बता दीजिएगा। ऐसे बिना बताए घर पे मत आइएगा। हमारे लिए तो वही दुनिया है। प्लीज हमें समझें। प्लीज। ठीक है, मैं चलती हूँ। सॉरी भैया। नहीं प्रभा, मैं उन्हें 3 सालों से जानती हूँ। इन 3 सालों में उन्होंने बच्ची का अच्छे से ख्याल रखा है। पक्का ये तो नहीं हो सकते प्रभा। किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा मत करना चन्नी। वो चली गई ना। बात क्या है, ऐसे अचानक इंक्वायरी करने लग गई? उसे शक तो नहीं हो गया? उस बारे में चिंता मत करो, हमने सब कुछ संभाल लिया है। आदि तो नहीं है, इसके आने के बारे में किससे बताऊं? अरे, ये मोबाइल किसका है? बोल, बोल, चल बोल। पापा को मत मारो। बच्ची के साथ तुम क्या करने वाले हो? पापा को मत मारो, प्लीज। लेकर जाओ इसे। पैसों के लिए तुम बच्ची के साथ प्यार का नाटक कर रहे हो? मैंने तुम्हें मारा तो वो रो रही है। तुम लोग इंसान ही नहीं हो। वो कब आ रहे हैं? इस लड़की को आज रात मारना होगा। ये जिस ऑर्फनेज में काम करती है वहां के सारे बच्चों को भी मार दो। बच्ची कहाँ है? कार में है। उन दरिंदों ने कहा है कि आज रात को वो बच्चे किडनैप करेंगे। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम जाओ। कुछ नहीं होगा जन्नी, मैं देख लूंगा। जाओ तुम। भाई, मुझे ये गलत लग रहा है भाई, ये हमें आज रात को ही करना है। आज रात ही हम उसे खत्म करेंगे। जाओ। हाँ भाई, हाँ, चलो। हेलो सर, मैं बात कर रहा हूँ। आज रात को वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से बच्चे टारगेट हैं। अभी आप हमारी टीम को लेकर ऑर्फन ही चाहिए। ठीक है प्रभा।
जरा देखो उस लड़की का बाप पैसे लेकर आया है। भाई वो रिसीव नहीं कर रहा है। उसका कोई और भी नंबर होगा, चेक करो। हाँ भाई। हेलो बेटा, पापा तुम को रो मत क्यों मारो, मुझे यहाँ लेकर आए हैं। पापा को मत मारो। अभी तुम कहाँ हो बेटा? मैं पहले जिस ऑर्फनेज में थी ना, वहीं पर हूँ। वो लोग अंदर ही हैं, खत्म कर दो उन्हें। किली किली क्या बच्चों को सेफ जगह ले जाओ, जल्दी ही आओ, बच्चों को अंदर ले जाओ, जाओ जाओ जाओ। भैया भैया आप गेट क्यों बंद कर रहे हैं? भैया भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप अकेले गेट बंद करके क्यों जा रहे हैं? मैं भी आता हूँ, खोलिए। केली मेरी एक मदद करोगे? अगर मैं मर गया तो मेरे बेटे को जाकर बोलना कि तुम्हारे पापा ने मरने से पहले 30 बच्चे और 4 पुलिस वालों की जान बचाई और पुलिस वाला बनकर ही मरे, बोल देना। अब मैं भी आपके साथ आता हूँ, चाबी दो। ए, इन्हें कुछ मत करना, मेरी बात सुनो। बुड्ढे गेट ओपन कर। चाबी दो भैया, चाबी दो मुझे। मार कमीनी को। भैया उसी की आदमी है। प्रभा, तेरा दोस्त देवर और उसकी टीम किसी ऑपरेशन में खतरे में पड़ गए हैं। भैया, भैया मुझे चाबी दो। भैया, क्या करूं मैं? राज, हे राज।
विक्रम संभल कर। क्या हुआ बता ना? क्या हुआ देवा? कहां पर है देवा? विक्रम कमीना भाग गया होता। अब गन फेंक दे बच्चे, फेंक वरना ये ट्रिगर दबा देगा। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, उसे छोड़ दो, उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं। भाई इससे बात करके आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, इन दोनों को मार के अभी यहां से चलते हैं। भाई है पुलिस वाला है तू? जैसा बेवकूफ नहीं है, वो बहुत होशियार है। मैंने कहा था ना कि जब हम मिलेंगे तब हमारे बगल में खड़े रहने के लिए कोई नहीं होगा। मुझे अभी पता चला कि तू कौन है। अपने बाप की कार्बन कॉपी है तू। इस वक्त हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 125 करोड़ है। इसमें अनाथ बच्चे लगभग 50 लाख होंगे। इन बच्चों को कुछ हुआ तो उन्हें देखने के लिए कोई चाहिए ना? तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। तुम्हें बच्चों को गोद लेकर अपने पास 3 साल रखना होगा। 3 साल के बाद वो बच्चा मेरा होगा और ये तुम्हारा। अनाथ बच्चों के बारे में सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, पर तेरे पापा ने ये काम किया। सर वो लोग अनाथ आश्रम से बच्चे लेकर 3 साल तक रखने के लिए कहते हैं और बहुत सारे पैसे भी देते हैं। मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है सर। कौन सा अनाथ आश्रम सर? मासूम बच्चों की बात है सत्यमूर्ति। जब क्राइम हुआ ही नहीं तो केस कैसे फाइल करें? पहले से हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जिसमें दिमाग खराब हो रहा है। सर मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे आप समझिए। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो पहले एविडेंस कलेक्ट करो, फिर देखेंगे। ठीक है। तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में सारे डिटेल्स और सबूत इकट्ठा करके कमिश्नर ऑफिस में रखा। उस फाइल में मैं बच्चों को कैसे किडनैप करता हूँ और उन्हें किस रूट से लेकर जाता हूँ सारी डिटेल्स थे। इसीलिए मैंने कमिश्नर ऑफिस को चला दिया। सारे एविडेंस जलने के गुस्से में तुम्हारे पापा ने गलती की, जिसकी वजह से कमिश्नर ऑफिस को जलाने का केस उन पर ही लग गया। मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हारे पापा को मार दूंगा। मेरे आदमी ने तुम्हारे पापा को यहाँ वहाँ ढूंढा, बाद में पता चला कि वो पागल है। उधर तेरे पापा पागल हो गए जिसकी वजह मैं था, और इधर मैं बड़ा होता गया। गलती कर दी। मुझे उसी वक्त तुम्हारे पापा और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई, खत्म कर देते हैं इन्हें। तू बहुत होशियार है यार, अगर तू जिंदा रहेगा तो हम पक्का पकड़े जाएंगे, इसलिए तो ऐसा किया। हेलो पापा, आप कैसे हो पापा? मेरे रिपोर्ट कार्ड पे साइन करना है पापा। ए पांड्या, तुम्हारे गैंग में कोई मूर्ति नाम का है ना, वो तुम लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, पुलिस के लिए काम कर रहा है। देख लेना, अगर तुमने जल्दबाजी की तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। काम ही तो है ना, मुझे परवाह नहीं है। मैंने प्लान करके तुम्हारी जॉब छीनी। पापा
कंसाइनमेंट पूरा हो गया, ट्रक बच्चों को लेकर सेफली निकल गया। कमिश्नर ऑफिस से बुलेट की फोटो मैंने ही ली थी। तुम डिपार्टमेंट में नहीं हो, तुम होटल में काम कर रहे हो, इस पे मैंने भी भरोसा कर लिया। अभी भी मुझे ऐसा लगा कि पुलिस को मॉनिटर करने वाला कोई आएगा, लेकिन सच में तुम आओगे मैंने सोचा नहीं था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है दोस्त। ए, तुझ पे भरोसा करके मैंने गलती की तेरी तो। बहुत प्यार से इसे पाला है। नहीं, हम इसे घर लेकर जाते हैं। मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करें, उन्हें पता चला तो वो हमें मार देंगे। तुम्हें याद हूं? नहीं। क्या सर, आपको मैं याद नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? मुझे सिलेक्टिव एमनेसिया है, मैं बहुत सारे नाम और चेहरों को भूल गया हूं। आज मैं जिस पोजीशन पर हूं उसकी वजह आप ही तो हैं सर। हमने एक दूसरे से बहुत सारी चीजें शेयर की हैं, और आप कितनी आसानी से कह रहे हैं कि मुझे कुछ याद नहीं। ख्याल रखिए अपना, चलता हूं। बेटी हम चलें क्या? आप कौन हैं दादाजी? जननी दीदी इंतजार कर रही है। ये बच्ची, ये हमारे अनाथाश्रम से ही है। लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके मैं इसे वापस ले आऊंगा। चलो बेटी, जननी दीदी से मिलते हैं, हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? चिंता मत करो प्रभा, हम सब यहाँ है ना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। सर कहाँ पर? उन्हें चोट लगी है, यही बगल में है वो, ज्यादा सीरियस नहीं, ठीक है वो। हुआ क्या है? ऐ यासिफ, ये थोड़ा घबराया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। चुप करो आप। ए प्रभा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं यार, पेरुमल भैया नहीं रहे, भैया मर गए यार। भैया, ये क्या हो गया भैया? आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? मेरे बेटे को जरूर बताना भैया। मुझे कुछ बड़ा करना, मेरे बेटे को पता चलना चाहिए कि उसका बाप
आखिर क्या कर सकता है। प्रभा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम एक पुलिस वाले हो? बताया होता तो तुम सहमत होती। क्या कह रहे हो, तुम्हारे पापा की यह हालत क्यों हुई है? मैंने तुमसे कहा था ना, तो फिर क्यों किया ऐसा? क्यों किया? सर, आपने ऑलरेडी बिल भर दिया था, आप भूल गए क्या सर? नो प्रॉब्लम, थैंक यू। जरा देखो उन्हें माँ, आज एक गुंडा सारे बच्चों को किडनैप करने वाला है, उसे पकड़ने वाले वही थे। 25 साल तक इस बात को अपने अंदर दबा कर रखा, उन्होंने सोचा कि वो सारे बच्चों को बचा लेंगे। ऐसे निष्ठावान और ब्रेव पुलिस ऑफिसर को सब पागल कहते हैं। मुझे भी उनको देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है माँ, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि मेरे पापा जीनियस हैं। ये वही केस है जिसे वो सॉल्व करना चाहते थे। अगर मैं अभी नहीं गया तो मेरे पापा, पेरुमल भैया, वो मासूम बच्चे, उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होगा माँ। प्रभा, ऐसा मत करो बेटा। मुझे जाना होगा माँ। ए, उठ रे। ए, तुझे बोला ना उठ। क्या है, अलग सेल में डालकर तुम्हें लगता है कि मैं सच बताऊंगा? जाओ। ये देख, हाँ। अब तू सच बताएगा। कुमार, कुमार, मुझे बचा लो पापा। सर, उनसे कहिए नहीं मारे, मेरे बेटे को कुछ मत करिए साहब, मैं सब बताऊंगा साहब। 25 साल से वो ये सब कर रहे हैं, बच्चों को किडनैप करना ही इसका बिजनेस है। डार्क वेब पर उनकी सारी डीलिंग होती है। जिस रूट से वो बच्चों को किडनैप करते हैं उसे सिल्क रूट कहते हैं। चेन्नई आंध्रा बॉर्डर से बच्चों को बोट से किडनैप करते हैं। अगर बच्चे बोट में बैठते हैं तो उनकी जिंदगी खत्म है। किस देश में किस शहर में जाएंगे ये किसी को नहीं पता। लड़कों को नक्सलाइट बनाते हैं, लड़कियों से धंधा करवाते हैं, वो लोग यूज करते हैं। तुम्हारी भाभी रो रही है। मुझे लगता है कि मैंने बच्ची को क्रिमिनल के हाथ में दे दिया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। पापा, हम उन बच्चों को बचाएंगे पापा। निशा भी उनके साथ ही है। ये सब करने वाले क्रिमिनल्स आज हमारे घर आएंगे, वो घर में सबको मार देंगे आपके सामने। आप क्या करना चाहेंगे? 10 मिनट के बाद तुमने जो भी बोला है वो सब मैं भूल जाऊंगा प्रभा। तुम मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हो? ये आपका ही केस है पापा, उसे देखने वाले सिर्फ आप ही हो। एक पुलिस वाला अब भी आपके अंदर है पापा, वो कभी कुछ नहीं भूलेगा। मुझे उस पुलिस वाले पर पूरा भरोसा है पापा। इस वक्त से आप सब देख लेना। अलवरपेट रोड के एटीएम के बाहर निशा को उस ट्रक में शिफ्ट किया गया है। इस ट्रक के रास्ते को फॉलो करो और मुझे बताते रहना। ठीक है। प्रभा, वो ट्रक त्रिची हाईवे पर जा रहा है। मैं बच्चों को कैसे किडनैप करता हूँ, किस रूट से लेकर जाता हूँ, ये सारे डिटेल्स तेरे पापा को पता था।
पे बबूल? उसने बहुत दिमाग लगाकर प्लान किया है, निशा को पब्लिक प्लेस में, वो भी एक एटीएम के सीसीटीवी कैमरे के सामने उसने क्यों शिफ्ट किया? निशा को ढूंढने के लिए वो इजी क्लू दे रहा है, या फिर निशा एक डेविएशन है? NH-45 पर जो पुलिस है उनको इन्फॉर्म करो कि निशा उस ट्रक में है, हैंड लॉक है। NH-16 कौन सा हाईवे? प्रभा, चेन्नई टू टाटा हाईवे प्रभा। सर, NH-16 के सारे गाड़ियों को चेक करने के लिए कहो। पैरेलल क्राइम सर, निशा को NH-45 से भेजकर हम सबको डेविएट करके बाकी सारे बच्चों को NH-16 से लेकर जा रहे हैं सर। NH-16 पर सारे व्हीकल्स चेक करो, हमें उस ट्रक को ढूंढना है जिसमें बच्चे। माइकल, हम कोर्ट जा रहे हैं, जरूरत नहीं तो कहाँ है? हे पुलिस, अपना पीछा कर रही है, गाड़ी को भगा। सर, वो स्कूल बस रुकी नहीं, फॉरेस्ट एरिया में गई है। ओवर। ए रुको, साइड में, साइड में, साइड में रुको, इसे सुनता नहीं क्या? सर, आपने जो ट्रक कहा था ना, उसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। प्रभा, निशा उस ट्रक में नहीं है। प्रभा, तुम चिंता मत करो, पुलिस ने फॉरेस्ट एरिया में उस स्कूल बस को घेर लिया है, पक्का निशा उनके साथ ही होगी। बच्चों को छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मार डालेंगे। भाई, पुलिस वालों ने घेर लिया, अब हम क्या करें? मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। वो तुम्हें छोड़ देंगे। ए पुलिस वालों, पीछे हट जाओ यहाँ से, नहीं तो हम सारे बच्चों को जान से मार देंगे। एक मिनट प्रभा, जैसा तुमने कहा था, इस बच्चे को आश्रम से किडनैप नहीं किया गया था, पब्लिक प्लेसेस से रैंडम बच्चे किडनैप हुए थे ना, ये भी उनमें से ही एक है। तो निशा अगर बस में नहीं है तो ये लोग उसे कहां लेकर गए? मतलब निशा डेविएशन नहीं है, ये स्कूल बस डेविएशन है। भाई, वो भी यही आया है। ए चुप कर, सुनिए, जल्दबाजी में शूट आउट का ऑर्डर मत देना, इन्हें और थोड़ी देर के लिए होल्ड करो सर। ए, अब निकलो तुम सब। से बच्चों को किसी और गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। प्रभा, NH-16 पे बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं। उनमें से हम एक को कैसे ढूंढ पाएंगे? आसिफ, मेरी बात ध्यान से सुनो। NH-16 फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ के सारे कैमरास में थर्मल सेंसर्स हैं। इन कैमरास को हैक करके सारे गाड़ियों को स्कैन करो जल्दी। ओके प्रभा। NH-16 में जो सीमेंट का ट्रक जा रहा है, सारे बच्चे उसी में हैं। प्रभा,
मेरे हिसाब से वो ट्रक 200 मीटर की दूरी पर है। अगर तुमने स्पीड बढ़ाई तो तुम उस तक पहुंच सकते हो। सर, मैंने बच्चों वाला ट्रक ढूंढ लिया है। सर आ गया, जल्दी चलो। पापा, वो आ गया है। पापा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ से 5 किलोमीटर पर फॉरेस्ट चेक पोस्ट है। हमारी टीम को वहां पर आने के लिए बोल दीजिए। हम बच्चों को बचा लेंगे सर। कभी ने गंगा कच्चा है। ठीक है ना सर? आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं याद नहीं हूं क्या? Ah!
अच्छा होगा कि तुम मेरे बेटे और उन बच्चों को छोड़कर वहाँ से भाग जा। कितना बेवकूफ है तू कि अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर आया है। अपने पापा को अभी भी पुलिस वाला समझता है क्या? वो यहाँ एक पागल की तरह बैठा है और उसकी हालत करने वाला मैं हूँ, इस बात पे मुझे गर्व है। ए, अगर तू अभी वहाँ से नहीं गया ना तो तेरे घर वाले लाश में बदल दिए जाएंगे और उनकी लाश उठा लेना। वहां से निकलेगा या घर वालों को गोली खाते सुनेगा? अभी तेरे बेटे की मरने की आवाज आई। तुझे जो करना है कर ले कमीने। पहली बुलेट में ये बच्ची जाएगी, सुन इसकी आवाज। शहर में बच्चे ना होने पर लोग फर्टिलिटी सेंटर जाते हैं, वहीं प्रभा माँ बाप के प्यार और ममता के लिए तड़प रहे ऑर्फनेज के बच्चों के पास गया। फर्टिलिटी सेंटर जाने वाले लोग काश अनाथ आश्रम जाएं, उन्हें बच्चे मिल जाएंगे और बच्चों को माँ बाप।